हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसी शख्सियत से जिनके पैशन से रूबरू होंगे आप। आज के हमारे जो गेस्ट है इनके बारे में मैं क्या कहूं, इनके लिए जितना कहूं वो कम है क्योंकि इन दोनों की बातों में दम है। डॉन के नाम से है जिसकी पहचान, बिना गलती के मुर्गा बनाने के है वो कप्तान। मिर्ची की आन बान और शान, प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड आरजे कुणाल। हाय, आई एम आरजे कुणाल। कस्टोविच जीडी में मुझे फोन आया था विरल का। सो विरल को मैं कैसे जानता हूँ, विरल वाज विथ मिर्ची बिफोर। सो बहुत ही सालों के बाद उसका अचानक से फोन आया कि इस तरह से इंटरव्यू हो रहा है, एक सीरीज है जहाँ पे आपको आना है। सो पहले तो मैं बहुत नर्वस हो गया बिकॉज आई एम मोर ऑफ एन इंट्रोवर्ट गाय। सो आज तक मैंने इंटरव्यूज लिए हैं बींग एन रेडियो जॉकी, लेकिन आज तक कभी इंटरव्यू दिया नहीं है मैंने। मेरा पहला इस तरह का कैमरा के सामने इंटरव्यू होगा और ज़्यादातर चीज़ें हम आरजे स्क्रिप्ट करते हैं। आज मेरे पास ना कोई स्क्रिप्ट है, मुझे पता नहीं क्या पूछने वाले हैं। सो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी 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 नर्वस एंड यस आई एम एक्साइटेड ऑल्सो, क्योंकि अब मैं आराम से इंटरव्यू दे सकता हूँ ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। तो एक नया एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए जहाँ पे मैं इंटरव्यू की उस साइड पे हूँ। और उनका साथ देने आ रही हैं वेरी टैलेंटेड ब्यूटीफुल एंड रेड कार्पेट क्वीन सिमरन आहूजा। Hello to all the lovely people. My name is Simran Ahuja and I'm truly delighted to be here at Gusto with GD. So, main bahut bahut khush hoon jab mujhe call aaya from GD's office and everyone was coordinating with me. I think it's been immense pleasure for me simply because they're like such perfectionists. Every single day I receive a call sometimes from someone who's doing the script work, someone who's really looking after us and the likes. You know, I just love the professional touch up. Though it's season one, it's extremely special. So I'm really delighted to be here on the GD show. तो आइए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा शो Gusto with GD, brought to you by Unified Brains in association with Passion Vista, your very own luxury lifestyle and business channel, tourism partner Gujarat Tourism. तो आप दोनों को आज इस शो पर आकर के कैसा महसूस हो रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रूली ट्रूली एक्साइटेड सिटिंग विद टू रॉक स्टार्स। जीडी, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू एंड योर वर्क। आपने इतना कुछ अकम्प्लिश किया है, इट्स एब्सोल्युटली एक्साइटिंग। और आपके क्वेश्चंस, ट्रस्ट मी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। एंड ऑफ कोर्स बीइंग विद आरजे कुणाल, यू नो, ये तो वैसे सबके फिल्की उड़ाते हैं। एंड आज उन्हें यहाँ पर देखकर बड़ा मजा आ रहा है ऑन द रेड सोफा। तो आज हम टीम अप कर लेते हैं, आज हम इनकी फिरकी लेंगे पूरे शो में। नहीं नहीं वैसे नर्वस हो रहे हैं और नर्वस करने का मुझे मन कर रहा है। अपने आते ही फिरकी ले ली। मैं बता दूं, मतलब सबने, पूरी टीम ने मिलके मेरा मुर्गा बनाया, ऊपर नीचे सब जगह ले गए, मुझे सेटअप नहीं दिखा रहे हैं। और ऊपर से जब सबने सेटअप देखा और नर्वस हो गया हूं मैं। ऊपर से आपने इतनी सुप्रीमली गॉर्जियस सिमरन को मेरे बाजू में बिठा दिया, ऑलरेडी मेरे पसीने आ रहे हैं। चिल कीजिए, रिलैक्स कीजिए, एंड दैट इज व्हाट गस्टो इज ऑल अबाउट। तो आपको, लेकिन फिर भी कुणाल, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? आप मुझे एक शब्द में अगर बताएं कि आज क्या लग रहा है, व्हाट एग्जैक्टली, क्या एनर्जी निकल रही है, क्या पैशन निकल रहा है आपका आज? मैं, मतलब मुझे मिक्स फीलिंग आ रही है। पैरेलली आप देखो तो मैं नर्वस भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। एग्जैक्टली ये सिचुएशन है मेरी। नर्वस तो बिल्कुल होने की जरूरत ही नहीं है, जिंदगी का पहला इंटरव्यू मेरा। जब खूबसूरत कन्या आपके बाजू में है तो नर्वसनेस निकाल दीजिए। ये उससे और नर्वसनेस आ जाती है क्योंकि ये भी जिंदगी में पहली बार हो रहा है कि मैं किसी खूबसूरत लड़की के पास इतना क्लोज बैठा हूँ। क्या बात है, वाओ कुणाल, आज लाइफ के बहुत सारे फर्स्ट एक्सपीरियंसेस ले रहे हो आप। एब्सोल्युटली ठीक है, मुझे लगता है कि हम लोगों को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा आपसे। मुझसे बड़प्पन है आपका जो आप ये कह रहे हैं, बाकी मुझे लग रहा है आज मैं बहुत कुछ सीख के जाऊंगा आपसे और इनसे। चलिए, तो बातों ही बातों में हम ये सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन शुरू करते हैं अब आप लोगों की कुछ निजी जिंदगी के ऐसे पहलू जो हमारी ऑडियंस ने आज तक ना सुने हो, कुछ ऐसी वार्तालाप, कुछ ऐसी बातचीत, कुछ ऐसे यू नो स्टोरीज जो आपकी पैशन की हैं, जिससे रूबरू होंगे हम सब। तो शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट। सिमरन, मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। जी, आप इतने फिट, इतने ब्यूटीफुल, हर बारी हर लुक में कैसे कर लेते हो यार? यू नो बहुत फनी भी लग सकता है सबको, बट जिस वक्त मैंने सोचा, देन मुझे कुछ भी नहीं सोचना है अपने बारे में, न मुझे वर्कआउट कब करना है ये सोचना है, इसलिए क्योंकि ना स्केड्यूल्स इतने टाइट हो गए थे 5 years back कि मैं जब वर्कआउट नहीं कर पाती थी ना, तो बहुत स्ट्रेस होता था मुझे कि नो आई हैव टू वर्कआउट, नो आई हैव टू रियली यू नो ईट राइट,
और यू नो मुझे 9 बजे के बाद रात को नहीं खाना है, मेरे शोज खत्म होते हैं 2 बजे, सो आई एंजॉय माई मील. फिर मैंने 4 साल पहले सोचा लेट मी ट्राई एंड एंजॉय एवरी सेकेंड ऑफ माई लाइफ, एवरी मोमेंट, एंड नॉट थिंक अबाउट वॉट इज टू बी डन, ओनली डू, क्योंकि अभी वर्क है. तो मैंने सोचा अभी वर्क है तो लेट मी वर्क, व्हेन आई डोंट हैव वर्क आई विल वर्क आउट. ओके, सो लकीली आई एम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सेवरल ब्रांड्स, रेट्रो जिम की, वर्ल्ड जिम की. तो जब भी शूट होता है मैं तभी जाती हूँ, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, सो आई गेन माई फ्लेक्सिबिलिटी इन वन डे, सो दैट इज ऑलवेज देयर. तो आई रियलाइज की यार मुझे तो वर्कआउट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है. ऑफकोर्स थोड़ा सा शेप में डिफरेंस होता है, बट एट द सेम टाइम मैं बहुत ज्यादा काम कर सकती हूँ. देन आई रियलाइज खाना, अब रात को मुझे खाना खाने में बड़ा मजा आता है क्योंकि शोज खत्म होते हैं हर रोज रात को 1 बजे 2 बजे, सो आई स्टार्टेड एंजॉइंग माई नाइट मील, एंड क्योंकि शो के पहले तो खा के आई कान गो ऑन स्टेज, तो वो स्ट्रेस ही मैंने निकाल दिया. एंड ट्रस्ट मी 4 साल से माई लाइफ हैज बीन रियली ब्यूटिफुल. लोग कहते हैं इट्स ऑल अबाउट वर्क, मैंने कहा नो इट्स ऑल अबाउट लव, मेरा पहला प्यार है, मेरा पहला नशा है, एंड आई एम एंजॉयिंग एवरी सेकेंड ऑफ माई लाइफ, यू नो. सो यू एंजॉय व्हाट यू डू एंड यू लव व्हाट यू डू. आई लव व्हाट आई डू. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. इस बातचीत को जारी रखेंगे. मूविंग ऑन, मेरा आपसे पहला प्रश्न है आरजे कुणाल, यू आर नो लेस, यू आर मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटी, आई कैन सी दैट फ्रॉम द एंथुजियाज्म विच यू कैरी. बट हमने सुना है कि आपकी जिंदगी रियल लाइफ में कुछ ऑपोजिट है, तो ये ऑपोजिट क्या है भाई, ये क्या चक्कर है? ऑपोजिट मतलब कहते हैं ना, जो भी क्रिएटिव फील्ड में होते हैं बहुत कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती है ऑल द टाइम, और कहीं ना कहीं वो इंट्रोवर्ट होते हैं. तो जो मैं करता हूँ रेडियो पे वो एक मेरा परफॉर्मेंस है, वो एक मेरा कैरेक्टर है, वो एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पॉपुलर सेगमेंट जो है मिर्ची मुर्गा, वो प्रैंक, और उससे मैं लोगों को हंसाता हूँ, तो उससे एक फैन फॉलोइंग बिल्डअप होता है, कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करते हैं, इनको लगता है ये अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही होगा, इतनी ही मस्ती करता होगा, इतनी ही बातें करता होगा. और जब ये मुझे मिलने आते हैं तो बड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब सुप्रीमली इंट्रोवर्ट हूँ. तो जब क्राउड देखता हूँ तो मुझे पता नहीं होता बोलना क्या है, तो इनको लगता है यार इसको तो एटीट्यूड प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, बिल्कुल ही बात नहीं की उससे. मैं बोला मैं आपसे ज्यादा मैं नर्वस हूँ, मुझे पता ही नहीं मुझे बात क्या करनी है. फिर हमेशा का रहता है बिकॉज आई एम अ स्क्रिप्टेड, आई एम अ परफॉर्मर, जितना है उतना मैं परफॉर्म करके आके फिर आई विल बी ऑल ककून्ड इन माई हाउस, नो. तो आई एम बेसिकली वो थोड़ी सी गलत जगह पे आ गया हूँ मैं, या फिर मैं गलत हूँ जहाँ पे लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि ये पब्लिक में आके बोलेगा, लेकिन मैं भाग जाना पसंद ज्यादा करता हूँ और अपने उसमें ही रहता हूँ, शेल में रहता हूँ मैं. मतलब आप जो रियल लाइफ में है वो कुछ अलग है. रियल लाइफ में मैं बहुत कम बोलता हूँ, बहुत 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 ज्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, बहुत शाय हूँ मैं, बहुत ज्यादा शाय हूँ, मतलब मुझे ओपन अप होने में बहुत टाइम लगता है. और क्राउड में मुझे सिंपली आप भेज दोगे तो मैं वेजिटेबल की तरह खड़ा रहूँ, मुझे पता नहीं क्या बोलना है वहाँ पे. क्यों? दैट्स व्हाट आई एम, मतलब वो जो जितना परफॉर्म करना है, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है उस दिन का, जहाँ पे लोगों को एंटरटेन करना है, आई राइट लॉट ऑफ ह्यूमर स्टफ, आई डू स्टैंड अप ऑल्सो, उतना हो गया उसके बाद मेरा हो गया, फिर मुझे नहीं पता क्या करना है. क्या बात है. तो बातचीत जारी रखेंगे आपसे कुणाल. हम बढ़ते हैं वापस हमारी सिमरन की तरफ. सिमरन, हमने सुना है 18 टाइटल 18 साल में, ये क्या है ये सिलसिला 18 टाइटल्स 18 साल में? लोग पूरी जिंदगी में नहीं हासिल कर पाते, आपने कैसे हासिल कर लिए ये? Wow, this is beautiful. And सबसे पहले तो जय श्री कृष्ण से शुरुआत करना चाहूँगी, because रास गरबा मेरे दिल के बहुत करीब है. और बचपन में मुझे डांस सीखना था, तो मॉम ने कहा था डांस इज़ नॉट फॉर अस, हमारी फैमिली के लिए नहीं है. तो मेरी स्कूल फ्रेंड मुझे ले गई थी फॉर कथक, फ्री ट्रायल क्लास होता है. ओके. और मैं उसके साथ चली गई. मैं मॉम आई मुझे लेने के लिए, मॉम ने कहा डांस हमारे लिए नहीं है, पढ़ाई करो. तो ना मैं टीवी देखना अलाव था घर में, और न एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स ठीक है बट नथिंग गॉट टू डू विद एनी अदर एक्टिविटी. मैंने कहा था ठीक है शायद मेरे लिए नहीं है डांस. और फिर हाई स्कूल में थी तो एक बार फंक्शन था, जब गेट टुगेदर्स हम करते हैं, तो मुझे, मैं बहुत रिजर्व्ड फैमिली में ग्रो अप हुई हूँ, और बिल्कुल भी बाहर नहीं जाते थे हम, सिर्फ फैमिली में ही रहते थे, क्योंकि वो 5 चिल्ड्रन तो घर में ही धमाका होता था. पाँच भाई बहन जी. तो गर्मी धमाल होता था, एंड वी वर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर बिकॉज मॉम हमेशा बिजी रहती थी टेकिंग केयर ऑफ द किड्स. तो व्हेन आई वाज इनवाइटेड फर्स्ट टाइम फॉर यू नो हमारा जो गेट टुगेदर था, सो अ गाय आस्क्ड मी अगर वो मेरे साथ नाच सकता है. सो लाइक वेरी एक्साइटेड, या कभी ट्राई नहीं किया था डांस करना, बट ऑफकोर्स यू नो दिल में हमेशा था, बिल्डिंग में नाचते थे, टिपिकली यू नो डीन चेक टाइप डांस थोड़ा बहुत, बट अगेन यू नो इट वॉज अ वेरी इन अ वेरी शाई मैनर. बट सो उसने मुझे कहा ओके कैन आई डांस, ठीक है. तो उसने मेरे साथ
यू नो बॉलरूम डांसिंग शुरू किया जो हाथ पकड़ते हैं, और मेरी मम्मी ऐसे बैठ के मुझे स्टेयर कर रही है और मैं हंसती जा रही हूँ, मुझे मजा आ रहा है क्योंकि 90% है ना बॉलरूम डांस में द गाय डस 10% द फीमेल डस, जहाँ पे वो घुमा रहा है हमें तो सिर्फ घूमना होता है, पर मुझे बड़ा मजा आ रहा था एंड आई वाज लाइक वाह तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैं। और जब मैं बैठी आफ्टर 3-4 मिनट्स तो वो जो मेरी मम्मी ने सुनाया, उसने जो मेरी सिस्टर्स को बताया, 2 दिन तक उन्होंने मेरे घर में समझाया हाउ कैन यू होल्ड हैंड्स, हाउ कैन यू बी सो क्लोज टू समवन टू अ गाय यू डोंट इवन नो। ये कौन सी उम्र की बात कर रहे हैं आप? आई वाज इन हाई स्कूल, मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तो ना वो 10th स्टैंडर्ड के पहले हमारा, सो क्लोज अराउंड योर टीन्स। या सो एंड ऑनेस्टली मुझे पता नहीं था आई लाइक डांस और आई लव डांस, ऐसी किसी फ्रेंड ने कह दिया डांस सीखना तो दिल में था शायद ओके चलो चलते हैं, यू नो अपना ब्रेन्स तो था ही नहीं मुझे, तो जो सब कहते हैं मैं सब करती हूँ। तो मम्मी कहा था दिस इज नॉट फॉर अस, तो 2 दिन उन्होंने जो दिमाग में डाला ऐसे डांस इज नॉट फॉर अस, डांस इज नॉट फॉर मी, मैं समझ गई हूँ अभी, ये अभी करूंगी तो छुपके करूंगी, पर मुझे बहुत मजा आया था। एंड देन इट जस्ट हैपेंड दैट आई वाज इन 12th ग्रेड, आई वाज इन जय हिंद कॉलेज चेंज मी कम्प्लीटली। पहली बार मैं टाउन गई थी बॉम्बे में बिकॉज आई वॉज स्टेइंग आउटस्कर्ट्स ऑफ बॉम्बे, जय हिंद कॉलेज चेंज मी कम्प्लीटली, और हमारा गरबा गुजरात समाज कॉलेज में होता है एंड यू नो आई वॉज देयर फॉर द गुजरात समाज बिकॉज मैं constantly 5 years class representative रही हूँ and secretary of NSS रही हूँ for 2 years, so I was very active, मतलब मेरा college changed me completely, मतलब जो लड़की एक high तक नहीं बोल सकती लड़के को was surrounded by all the guys in college, ऐसा हो गया 11th grade में because I was also elected as a CR for all 5 years, तो वहाँ से शुरुआत हुई। तो मुझे अब तक उस लड़के का नाम नहीं पता जिसके साथ मैं first title जीती थी, so he was into his last year TY में थे, उन्होंने कहा कि हम है ना डांडिया खेलते हैं और तुम्हें ना 1, 2, 3, 4 और 5 में खाली चेंज करना है, बस ये एक ही स्टेप करना है पर नॉन स्टॉप डांचना है। मैंने बोला अच्छा ठीक है, और हम लोग प्राइज जीत सकते हैं, अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता वो कौन है बट ही जस्ट केम अप टू मी, उन्होंने ये कहा एंड दिस वॉज हाउ माई ब्यूटिफुल फीलिंग ऑफ गरबा स्टार्टेड। एंड हमेशा मैं कॉलेज में 11th स्टैंडर्ड से सोचती थी ये सारे जो गुजरातीज हैं एग्जाम, क्योंकि एग्जाम टाइम होता है नवरात्रि टाइम सेप्टेम्बर अक्टूबर, वो आते हैं साइन करके आधे घंटे में निकल जाते हैं, 7 o'clock दे कम 7:30 बजे साइन करके निकल गए। मैंने कहा भाई आप लोग कर क्या रहे हो? अरे वी तो डांस राज गरबा, हमें तो हमें अलाउड है हमारे घर में। कहा यार ये कैसी फैमिलीज हैं यार, इनको रात रात को डांस करने के लिए अलाउ करते हैं और ये लोग बिंदास आके हाफ एन आवर में चले जाते हैं, सो दैट इनक्विजिटिवनेस वॉज रियली देयर। और फिर नेक्स्ट ईयर लकीली आई गॉट टू डू यू नो ब्रोशर बनाने के लिए मुझे किसी ने काम दिया निर्मल लाइफस्टाइल्स ने, एंड दैट वॉज नवरात्रि, सो दैट इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड। उस नवरात्रि के फंक्शन पे मैं जब गई तो अगेन वन गर्ल पुल मी, मम्मी के साथ गई थी जीन्स पहनकर एंड जैन गुजराती समाज का था वो गरबा, और जैसे ही मैं नाच रही थी विद ऑल द गर्ल्स, मम्मी हैड नो प्रॉब्लम, लड़कियों के साथ नाच रही थी, किसी से हाथ किसी को हाथ नहीं पकड़ रही थी, तो शी हैड नो प्रॉब्लम व्हेन आई एम डांसिंग ऑन माई ओन। लेकिन वहाँ पर आई वॉज दी ओनली वन इन वेस्टर्न, तो उन्होंने मुझे ब्रेक टाइम पे दुपट्टा पहना एवरीथिंग बिकॉज दे लाइक्ड माई ग्रेस एंड आई रियलाइज कि आई एम लूजिंग वेट। तब मैं स्वेट कर रही थी, आई स्वेटेड आउट, वेट लूज करते हैं प्राइज भी जीतते हैं, सो दैट चेंज माई लाइफ, ये तो बहुत अच्छा है। एंड वो जो मेरी लकली दैट गर्ल नीता गाला यू नो, एंड मुझे नहीं पता था बट शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मी, तो इसलिए शी टुक मी इन अ ग्रुप एंड शी सेड यू नो नवरात्रि शुरू हो रही है 2 दिन बाद देखो घाघरा चोली लेके देती हूँ एंड वील वेन। सो दिस वॉज ईयर 2000 मिलेनियम ईयर एंड एंटायर 10 days एक ही घाघरा चोली में 1200 का घाघरा चोली आई वोर एंड एवरी डे आई एम विनिंग डायमंड रिंग एंड द फाइनल डे क्वीन ऑफ संकल्प द बिगेस्ट टाइटल इन इंडिया द संकल्प टाइटल आई वॉन्ट अ ट्रिप टू यूरोप। ओह माय गॉड, तब मैं कभी अफोर्ड नहीं कभी सोच भी नहीं सकती थी, सिर्फ यश चोपड़ा जी की फिल्म देखती थी तो ड्रीम करती थी स्विट्जरलैंड वाओ कभी तो जाना है वहाँ पे, बट एवरी थिंग वॉज फ्री 16 days ट्रिप आई वॉन्ट टू यूरोप एवरी थिंग ऑन द हाउस स्टे ट्रैवल। So that changed my life completely. वो जो मैं अकेली I stayed for 16 days, 42 लोगों का tour था and I was the only winner on the house. So that changed me और मैं you know वो मुझे feeling आई that और जो last day था specially जो dance competition का, of course I won't get into it, but I really felt I'm Radha dancing with my Krishna. मुझे वो इतना divine love का connection हो गया। So 2000 से लेके अब तक 18 years I've constantly played. I've only played for 18 years and won all the 18 years 18 titles. क्या बात है? And 2011. 18 titles. क्या बात है? 2011 was special because I won the best dancer title in America also. Oh. So that was like in Gujarati Samaj. So that was like really. मतलब. So आपका गुजरात से connection आज पहली बार नहीं हुआ मुझे लग रहा है कि ये तो पुराना है. बहुत पुराना है. मुझे लगता है in my previous birth शायद मैं गुजराती थी and मैंने रमानु बदु आवरे चाहिए. That was my
तो आज गुजरात में आकर के आपको बहुत अच्छा लगा? मुझे यस, दिस इज लाइक, मुझे लगता है मेरी धरती है ये। कितनी बार आते होंगे आप गुजरात में? मैं काफी आती हूँ गुजरात में, बिकॉज नवरात्रि आई एम द कल्चर एम्बेसडर फॉर पेरिस। सो पेरिस जाती हूँ 2 दिन के लिए ड्यूरिंग नवरात्रि, ओनली विथ फ्रेंच पीपल, उन्हें सिखा कर 8 वर्कशॉप्स लेके, ओनली विथ फ्रेंच पीपल। हम आईफिल टावर पे भी नाचते हैं और 100 ईयर्स कल्चरल जो उनका सेंटर है 100 ईयर्स का, वहाँ पर नाचते हैं। प्लस जो गोपी एसोसिएशन है आउटस्कर्ट्स ऑफ पैलेस, जो गुजराती एसोसिएशन है, वहाँ पर करती हूँ। फिर दुबई आती हूँ, बिकॉज फ्राइडे आई एम इन दुबई, सैटरडे संडे आई एम इन पैलेस, एंड मंडे एवरी टाइम आई कम हियर इन अहमदाबाद फॉर द नवरात्रि टू जज कॉम्पिटिशन फॉर लाइन्स क्लब। तो आइए बढ़ते हैं। कुणाल जी, मैं अब आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, नर्वस तो नहीं है? पूछ ही लीजिए, अब ये पूछ के और नर्वस कर रहे हैं आप मुझे। टैलेंट का भंडार हो यार आप एविएशन में भी काम कर चुके हैं, फिटनेस ट्रेनर का काम कर चुके हैं, डांस ट्रेनर का काम कर चुके हैं, एंकर, आरजे भाई, कुछ बख्शा है आपने तो कुछ और किसी और के लिए? ये मतलब लाइफ जहाँ लेती गई वहां मैं जाता गया, इतना ही है। अच्छा? जो काम आता गया प्लेट में वो करता गया मैं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से था, मैं हूँ अभी भी, तो टिपिकल मेंटालिटी होती ना, मेरे मॉम गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो बस बेटा गवर्नमेंट जॉब, डिपार्टमेंट जॉब। तो बेटे को पता था कि बेटा 12वीं पास करने के बाद ना घर से भागना पड़ेगा कैसे भी, नहीं तो माँ बिठा देगी डिपार्टमेंट एग्जाम देने के लिए, वो मुझे करना नहीं था। अच्छा। तो जैसे 12वीं खत्म हुई तो पॉकेट मनी बंद कर दिया घर से, 500 रुपये देते थे, 100cc का बाइक था जो हर एक मिडिल क्लास बच्चे के पास होता है, तो कहीं ना कहीं सबको काम तो करना ही है। सही बात। तो बच्चे को स्ट्रीट डॉग होते ना अपने आप ऑन देयर ओन, तो जो काम आया तब जिम विम जाते थे, जिम भरने के हमारे पैसे नहीं थे तो ट्रेनर बन गया, तो फ्री में जिम मिल जाता था। फिर मैंने देखा एरोबिक्स वाला जो होता है जो डांस वांस करवाता है तो उसको ज़्यादा पैसा मिलता था, तो उससे मैंने 1-2 हफ्ते में एरोबिक्स सीख लिया, फिर मैं 7-8 बैच लेने लगा। फिर कहीं पता चला कि एविएशन का कहीं इंटरव्यू आ रहा है हमारे शहर में, मैंने बोला वो क्या होता है, बोले वहाँ तो बहुत सैलरी देते हैं और रहना खाना पीना उन पे होता है, तो उसमें चले गए। हो गया इंटरव्यू हमारा क्लियर हो गया, तो फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया। फिर 2 साल हो गए, मॉम डैड गांधी ओनली चाइल्ड, तो मॉम डैड को बड़ा वो था कि हमारा बेटा घर से अलग रहता है, ऊपर से ना वो आजू बाजू की आंटियाँ तब वो जॉब समझते नहीं थे बैक इन 2008, तो बोले उनका बेटा ना हवा में बर्तन घिसता है। हमेशा वो चाहते थे। 2 साल में आई ऑल्सो हैड इनफ एक्सपोजर देयर, आई केम बैक। ओके। और फिर आरजे बन गए, वो भी एकदम एक्सीडेंटली हुआ था, दैट वाज नॉट इवन प्लान्ड। तो इट वाज नेवर प्लान्ड, यू नेवर वांटेड टू बी आरजे? नथिंग वाज प्लान्ड इन माय लाइफ, नथिंग, इट वाज ऑल अबाउट सर्वाइविंग एंड सर्वाइविंग एंड व्हाटएवर। इतने सारे लोगों का जो मुर्गा बनाया वो भी अपने आप ही सोच लिया अपने कि वो भी प्लान्ड नहीं था? वो प्लान्ड नहीं था, लेकिन जब मैं रेडियो में आया, मैं रेडियो में आने के पहले रेडियो सुनता नहीं था, मैं जा रहा था गोवा किसी म्यूजिक फेस्टिवल में। ओहो। तो एक दिन मेरा निकल नहीं रहा था, मैंने बोला टाइम पास कैसे करूं मैं। हाँ। तो मैं मॉल में मूवी देखने चला गया, मैंने बोला कल जाना है गोवा कैसे भी करके, तो मैंने वहाँ देखा ऑडिशन चल रहे थे, मेरा फ्रेंड आया पैम्पलेट लेके, बोले यार तू दे देना ऑडिशन। मैंने बोला भागल है क्या? मैंने नहीं यार, इतना कुछ बोलता रहता है, ड्रामा वामा में था पहले, बोले दे दे बोलना ही होता है। तो आई वेंट फॉर दी ऑडिशन देयर, तो मेरा कुछ खास इंटरव्यू उन्होंने लिया, थोड़ा सा रोस्टिंग हो गया, वो रोडिस टाइप का हो गया मेरे साथ, तो मैंने बोला मुझे लेंगे नहीं, आई वेंट टू गोवा। मैं बोला चलो। गोवा जाने के बाद फेस्टिवल में इन बिटवीन रात को कॉल आया, बोले यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द 3rd राउंड, यू हैव टू कम टुमारो। बोला अभी पैसे जोड़ के हम पहुंचते हैं, जैसे ही गरीब गोवा वापस कैसे निकलो, 31st का टाइम था, तो मेरे 18 दोस्त थे उसमें से 17 लोगों ने बोला नहीं नहीं पागल है क्या जाएगा मत जा, एक ने बोला जा। अच्छा। मैंने बोला नहीं जाना तो है। पैसे जोड़ के जैसे तैसे मैं आया, मैंने ऑडिशन दिया, उसके बाद 17 राउंड और हुए और 2 महीने बाद आई एंडेड अप एज अ विनर इन आरजे हंट, तो मैं रेडियो में आ गया। क्या बात है। अब पहुंच तो गया, मतलब करना क्या होता है यहाँ पे, नाम कैसे करेंगे, ऑलरेडी इतने एस्टैब्लिश्ड आरजेस थे हमारे स्टेशन में भी, जो आरजे इज नंबर 1 आरजे ऑफ गुजरात। मैंने बोला अब नाम कैसे करेंगे, कुछ तो नया करेंगे, हमारा USP क्या है। फिर मैंने सुना मिर्ची मुर्गा सेगमेंट बहुत पॉपुलर था जो नवेद करता है दिल्ली में जी। मैंने बोला ये गुजरात में तो होता नहीं है, तो हम अगर लोकल यही चीज गुजरात में करें तो। मैंने बॉस को पूछा, बॉस बोले बेटा वो 6-7 आवाज निकाल लेते हैं। मैंने बोला सर मैं सिर्फ 27 आवाज निकालता हूँ। क्या बात है। बोले तो आप पायलट करके दिखाओ मुझे। मैंने 1 महीना पायलट किया, बॉम्बे भेजा, तब से गुजरात में शुरू हो गया मिर्ची मुर्गा। तो आई वाज द फर्स्ट वन जो गुजरात में रेडियो पर बीप लेके आया था। आपके इस टैलेंट को हम जरूर याद से पकड़ेंगे इस शो के अंदर। आने वाले कुछ सेगमेंट्स के अंदर वी हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू। अरे बाप, इंटरेस्टिंग। और नर्वस भी नर्वस किए जा रहे हैं आप मुझे। यार आज तो फ्री हो के बात करो, वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी, वी आर टॉकिंग अबाउट पैशन, वी आर टॉकिंग अबाउट गस्टो। आप एक ऐसे शो पे हैं जहां होगी थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी खिंचाई और बहुत सारा एंटरटेनमेंट। यो। अच्छा। तो आपके बारे में और हम जानना चाहेंगे,
कुछ ऐसे पहलू अगर आप कुछ हमें बताना चाहें आपके अपने पर्सनल पैशन के ऊपर, तो आपका अपना पर्सनल पैशन क्या है? पर्सनल पैशन जो लोग शायद नहीं जानते होंगे, जो दिखता है मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, मुझे लगता है शायद जिम जाता है या फिर उसको स्पोर्ट्स कार का शौक है। एक चीज़ है जो आज पहली बार बताना चाहूँगा कि बचपन से मुझे सिंगिंग का शौक था। आई एम अ बाय बर्थ हारमोनियम पियानो प्लेयर। माय गॉड, उसका रीजन ये है, मतलब पैदा होते ही सीधा, पैदा होते ही जब से होश संभाला, जब से पता चला कि हाँ ये मैं बजा सकता हूँ, क्योंकि मेरे घर पे मॉम बहुत स्ट्रिक्ट थे, मैंने पहले कहा था वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो मेरे घर पे केबल नहीं था, अच्छा दूरदर्शन तक नहीं, तो एंटरटेनमेंट के लिए पापा का शौक था, हारमोनियम लेके आए थे, कभी बजा नहीं पाए वो, तो बस वो मैं ट्राई करता गया, वो मुझे ऐसे ही आ गया, फिर उन्होंने कीबोर्ड ला के दिया, मैं कीबोर्ड बजाता हो गया, फिर मेरे पास कैसेट्स हुआ करती थी और ग्रामाफोन था जहाँ पे सिर्फ मोहम्मद रफ़ी के गाने थे, क्योंकि वो पापा को पसंद थे। अच्छा, तो मेरे लिए भी ले देगा एंटरटेनमेंट वही बन जाता था कि हाँ चलो मोहम्मद रफ़ी के गाने हैं, तो वही गाने बचपन से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक मैं सुनता गया, और क्लासिकल म्यूजिक में मुझे बहुत ज़्यादा रुचि हो गई थी, और मोर देन 50-60 सॉन्ग्स अंतरे के साथ मुझे रफ़ी साहब के कंठस्थ हैं, क्योंकि मैंने वही गाए हैं इतने सालों तक। क्या बात है, वो एक डीप पैशन है मेरा क्लासिकल म्यूजिक और ये कैसा फेवरेट गाना, दो लाइन हो जाए। अरे बाप रे, अभी बिल्कुल, अब आपने बात करी है मोहम्मद रफी जी की और दो लाइनें ना हो, ऐसा हो सकता है? ये गाना है पगला कहीं का मूवी का, जो गाया है रफी साहब ने, शायद आपने सुना होगा, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, तो उसके अंतरे से शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। के वो बहारे वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, उन नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे हो तुम मुझे यूं। क्या बात है, ब्यूटीफुल, बहुत ही मजा आया हमें, और ये बातचीत को हम जारी रखेंगे इसे। और मुझे अब आपसे एक ऐसा सवाल पूछना है जो मुझे लगता है कि हर बच्चे बच्चे को पता जरूर है, लेकिन आज वो जानेगा कि ये डॉन के पीछे का सिलसिला क्या है। व्हाट इज दिस मुर्गा डॉन, क्यों आपको लोग मुर्गा डॉन कहते हैं कुणाल, बताइए जरा। मिर्ची मुर्गा एक ऐसा सेगमेंट था जो एक साल में बहुत ज्यादा वायरल हो गया, लोगों को बहुत पसंद आया, पहली बार गुजरात में ऐसा कुछ हुआ था, पहली बार रेडियो पे बीप भी गई थी, लोगों को लगा अच्छा ये बीप का साउंड होता है, तो इतना पॉपुलर होने के बाद पूरी टीम ने डिसाइड किया कि इसको कुछ नाम देते हैं, कुणाल का कुछ एक परसोना होना चाहिए, तो बस ये रेडियो मिर्ची के जितने भी आर्जेस थे उन्होंने मिलके ये नाम दिया कि इनका नाम आज से होगा मुर्गा डॉन। तब मुझे पसंद नहीं आया, मैंने बोला क्या मुर्गा डॉन से लगता है मुर्गे का बिजनेस कर रहा हूँ मैं, पोल्ट्री फार्म लेके बैठा हूँ मैं, नहीं अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, और ये बहुत ज़्यादा मतलब इट ओवरपावर्ड मी, तो वो मुर्गा डॉन का जो लेबल था वो मिर्ची की तरफ से आया, और फिर 10 साल हो गए ये चीज़ आज करते 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 आज अहमदाबाद के अलावा 9 और गुजरात के शहरों में ये सेगमेंट पॉपुलर होता जा रहा है। सो तो कितने लोगों को मुर्गा बनाया आपने? अनगिनत लोगों को मुर्गा बनाया, और दुनिया की ऐसी कोई गाली नहीं होगी जो मुझे पड़ी नहीं है और जो मुझे पता ना हो, इतनी वेराइटीज की गालियाँ जो मैंने खाई हैं जिंदगी में, पेशेंस जो मुझे आया है, क्योंकि मुझे पता है एवरी डे मैं बैठ रहा हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ, ये मुझे गाली देगा ही देगा। अब आप बताइए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एक आदमी इतनी ज्यादा गालियां खाने का? एंट्री एक भेज ही देते मुझे लगता है। कुणाल सही में मैं ये कहूंगा कि आपसे बातचीत करके मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम पहली बार मिल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग शायद कहीं ना कहीं दूर से बहुत कनेक्टेड हैं। That is you. That is absolutely GD जो इतना कंफर्टेबल हमको फील करवा रहे हैं, जिस तरह से आप मतलब पकड़ पकड़ के जो बातें ला रहे हैं मेरे अंदर से, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। नहीं, खूब मजा आया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हम जारी रखेंगे इसे दूसरे सेगमेंट में, बट बढ़ते हैं हम अपने आखिरी प्रश्न के साथ में। सिमरन जी, 2 लाख ऑडियंस के सामने आपने योगा कराया लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान, वो भी लॉकडाउन के टाइम पे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में आप तो बिल्कुल भी लॉकडाउन हुए नहीं थे, ये क्या चक्कर था भाई? नहीं, बिल्कुल लॉकडाउन हुई थी। सब सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, बिल्कुल लॉकडाउन ही थी, बट घर में बिल्कुल माहौल अलग था, सिर्फ एक डायलॉग फैमिली से कहती थी प्लीज चुप रहिए, आवाज मत कीजिए, मेरे शो चालू हैं, तो इट वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी। 650 शोज किए ड्यूरिंग द लॉकडाउन, घर में बैठे, घर स्टूडियो बन गया था, एंड राइट फ्रॉम टॉक शोज फॉर चैनल्स,
सेलेब्स के साथ, यू नो, विथ सोनू सूद, विथ अभय डियोल, ईशा डियोल, वहाँ से लेके योगा करने का मुझे मौका मिला. तो लास्ट ईयर 2019 में मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ फॉर कंट्री क्लब, तो उनके लिए हमेशा मैं ऑन इंटरनेशनल योगा डे काफ़ी सारे वर्कशॉप्स लेती हूँ एक ही दिन में. मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी जो लेवल है वो इतनी हाई है और इतना कुछ है कुणाल, सही मायने में एब्सोल्युटली इतना कुछ है आपके बारे में कि मुझे लगता है कि एक एपिसोड बहुत कम है. तो इस बातचीत को हम चालू रखेंगे, मिलते हैं हम एक ब्रेक के बाद. तो चलिए बढ़ते हैं हम अब अपने अगले सेगमेंट की ओर और जानेंगे हम कुछ ऐसे राज इन दोनों हस्तियों के साथ. तो सिमरन और कुणाल, मैं अब आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, ऐसे सवाल जो बहुत सिमिलैरिटीज रखते हैं आप दोनों के अंदर, और हम देखते हैं कि वो सिमिलर चीजें क्या क्या हैं और क्या निकल के आता है. तो सबसे पहले सिमरन, मुझे पता चला है कि आपका एक शो है जो यूएसए, कनाडा, मैक्सिको तीनों ही कंट्रीज में आने वाला है, मुझे आप बताएंगे इस शो के बारे में थोड़ा? ज़रूर. ये शो सेलिब्रिटीज़ इन यूनिसन है और 11 महीने से ऑलरेडी ऑन एयर है. 101 एपिसोड्स हम ऑलरेडी शूट कर चुके हैं. क्या बात, क्या सारे लेजेंड्स के साथ, तलत अजीज सर, अनुप जलोटा सर, यू नो, अभय डियोल, सोनू सूद, ऐशा डियोल, जरीन खान, सो सारे 101 स्टार्स के साथ हम ये शूट कर चुके हैं. एंड इट्स ऑल अबाउट गिविंग पॉजिटिविटी टू पीपल कि आप नहीं आ सकते हैं, यू नो, सेलिब्रिटीज़ को देखने, बट वी आर कमिंग एट योर डोर स्टेप. सो आप जहाँ पर भी अपने लिविंग रूम में रहिए और हमारा लाइव शो देखिए. सो इट्स ऑन टीवी एशिया चैनल, सेलिब्रिटीज़ इन यूनिसन. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. उम्दा ख्याल. ये ख्याल कहाँ से आया था आपके दिमाग में? मुझे ऑफर आई थी क्योंकि मैंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान एवरी डे ऑन एन एवरेज 8 से 9 शोज होते थे बैक टू बैक, राइट फ्रॉम यूके, यूएसए के लिए, कैरेबियन आइलैंड्स के लिए, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स के साथ मैंने शोज़ किए हैं. तो जब मैंने योगा शो लिया फॉर यूएस चैनल, तो वहाँ से उन्होंने देखा कि आप तो योगा बहुत अच्छा लेते हो, बट विल यू डू अ टॉक शो फॉर अस? मैंने कहा इसके पहले कभी मौका नहीं मिला, बिकॉज आई वॉज नेवर फ्री ऑन वीकेंड्स. क्योंकि जब टॉक शो होता है ना, दे आस्क यू द डेट्स, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, थ्री मंथ्स फ्री. आप वैसे भी कभी फ्री होते नहीं है, मुझे ऐसा सुनने मिला. नहीं नहीं, इट्स गॉड्स ग्रेस. तो मैंने डेट्स ऑलरेडी पहले से लिए हुए थे, तो आई हैव नेवर बीन एबल टू डू अ टॉक शो, बट बहुत जहन में था. मैंने इमिजिएटली येस कह दिया और एवरी डे एट नाइट सारे सेलेब्स के साथ हमारे शोज होते थे. अनुराधा पौडवाल जी, हमारे पद्मश्री, सबके साथ हमने लेजेंडरी बहुत बढ़िया शोज किए. एंड इतना कुछ सीखने को मिला, न सिर्फ मुझे बट इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ आर सेलेब्स, यू नो, राइट फ्रॉम, मतलब किस तरह से, यू नो, चाय बेचने वाला आज सुपर स्टार है, वो सब स्टोरीज हैं ऑफ आर बॉलीवुड सेलेब्स जो किसी को पता नहीं था. सो आई थिंक इट्स बीन फिनोमिनल एक्सपीरियंस. और कल रात को हमने शूट किया सुनील पाल जी के साथ, वो अभी भी शोज चालू हैं. सो थ्राइस अ वीक वो टीवी एशिया चैनल पे आता है. बहुत बढ़िया. तो कुणाल जी, अब हम आपसे एक स्पेशल चीज़ जानना चाहते हैं, बिकॉज हमारी जो रिसर्च टीम है उसने खूब रिसर्च किया है और उन्हें पता लगा लिया है कि आप बहुत ही उम्दा मिमिक्री करते हैं. अरे बाप रे, मरवा हो गया. और इस शो के अंदर अगर हम आपसे मिमिक्री ना कराएं, ऐसा हो ही नहीं सकता. चलिए आपके शो के बारे में कुछ कह देंगे, अलग अलग एक सिनेरियो अज्यूम करते हैं, जहां पे सितारे इस सुपरहिट शो के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज गस्टो विद जीडी. ओके, वेरी नाइस. क्योंकि यहां पर सिमरन बैठी है, तो हम जाहिर सी बात है शुरू करेंगे किंग खान के साथ. तो सिमरन, वो कहते हैं ना, किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में जुड़ जाती है. हमने भी बहुत सच्चे दिल से चाहा था कि कभी जीडी के साथ बैठेंगे और इंटरव्यू करेंगे, तो कायनात ने हमारी सुन ली है. थैंक यू. बात है, क्या बात, क्या बात है. दैट वाज किंग खान राज. एक और एक्टर है जिनको मिमिक्री की जरूरत नहीं हो, जिस तरह से देखते हैं वो, जहां आते हैं भूल जाते हैं वो कहां आए हैं, फिर वो 2 सेकंड का पॉज लेते हैं, उनकी आंखों से शायद आपको पता चले मैं किन की बात कर रहा हूँ. शाहरुख से जुड़े हुए हैं, उनके भाई हैं छोटे. स्वागत नहीं करोगे हमारा? गेस्ट विथ जीडी. सो एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. सो जीडी ने भी, यस जीडी, जीडी ने भी कमिटमेंट कर दी है और इस शो को सुपर हिट बना के ही रहेंगे. ऑल द बेस्ट.
क्या बात है, वाह, ओह माय गॉड, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है कुणाल, मजा आ गया। थैंक यू। एक और करते हैं, ऋतिक रोशन अगर आज गाना गाएं और वो भी द सुपर गॉर्जियस सिमरन के लिए, तो कैसा रहेगा, ट्राई करें? बढ़िया, बिल्कुल शुरू हो जाए। Hey, hi, Judy, how are you doing? Many congratulations, and I'm sure you're gonna rock in this show as well. So I'm gonna sing a song for Simran. Nigahon ne, nigahon se, kahi armano ki dasta hai, señorita. Oh, I'm killing it. Ye chahat ki, mohabbat ki, saari duniya mein ek hi zuba hai, señorita. Thank you so much. Kya baat hai, mazedar. Aur Akshay Kumar ki style mein bhi kehna chahenge. क्या मैं अपने खानदान का पहला लौंडा होगा जो जीडी के शो पे आया और मजा आ गया। क्या बात है। एंड दिस इज रणबीर कपूर, मैं बहुत कम बोलता हूँ, सो यार मेनी कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉइज ऑफ द नेशन, फरहान, लेट्स ट्राई, क्योंकि हम लोग ये गुजरात में कर रहे हैं, सो मैंने गुजरातियों के लिए एक पोइट्री लिखी है, तो आप थोड़ा सा साथ दीजिएगा मेरा। दिलों में, दिलों में मेकओवर से ज्यादा टर्नओवर की भावना लेकर चल रहे हो तो गुज्जू हो तुम, बियर के मग में छास भर के चीयर्स करते हो तो गुज्जू हो तुम, अगर दया से ज्यादा बबीता को पसंद करते हो तो गुज्जू हो तुम, किसी रेस्टोरेंट में जाके 1/2 टोमेटो सूप मंगा के 6 लोगों में पीते हो तो गुज्जू हो तुम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चाय बनाने वाला इंसान देश को चलाने का ख्वाब देखकर पूरा भी कर सकता है तो गुज्जू हो तुम। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, जितना भी कहें आपके लिए कम है। क्या तारीफ करूं आरजे कुणाल, मजा आ गया। टेरिफिक, इट इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग कुणाल, दैट वाज अमेजिंग। ओह थैंक यू सो मच सिमरन, थैंक यू। आज राज और सिमरन वाला कॉम्बिनेशन डेडली है भाई, खतरनाक, मजा आ गया। क्या सॉलिड परफॉर्मेंस। अब ये सॉलिड परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे एक चीज याद आ रही है, सिमरन आप रेड कारपेट वॉक करती हैं एंड पीपल नो यू एज अ क्वीन ऑफ रेड कारपेट, तो आपने आईफा, आपने फिल्म फेयर, आपने ऑस्कर्स, आपने दुनिया देश विदेश सब घूमा है, बताइए कुछ उसके बारे में। वाव, ये सबसे मेरे दिल के बहुत करीब एक्सपीरियंस है, यू नो, चाहे वो रेड कारपेट फिल्म फेयर हो या ग्रीन कारपेट आईफा हो, एंड ऑस्कर्स के प्रेसिडेंट 90 ईयर्स में पहली बार इंडिया आए, जॉन बेली सर एंड लिटिलटन जो उनकी बेटर हाफ भी हैं एंड गवर्नर भी हैं, तो आज तक सिर्फ 2 इवेंट्स हुए हैं उनके, और आई बीन वेरी फॉर्चुनेट टू होस्ट बोथ इवेंट्स फॉर देम ऑफिशियली, तो बहुत मज़ा आता है, यू नो, व्हेन यू मीट ऑल द स्टार्स। और हम सबको लगता है ना, एक बात मैं कहना चाहूँगी, हम सबको लगता है ना दैट ओ वाव, यू नो, हम बहुत आसानी से कह देते हैं, यू नो, इवन एज ग्रोइंग अप यर्स वी, ओ यू नो, इसको एटीट्यूड है, उसको एटीट्यूड है, पर जो मेहनत जाती है फिल्म फेयर में, वेयर द स्टार्स आर सिटिंग एंड ग्लूड ऑन देयर चेयर्स फॉर 10 आवर्स, तैयार अलग से होना, इट इज़ नॉट ईजी, बिकॉज आई नो आई ऑल्सो स्टैंड ऑन माई टोज फॉर 8 आवर्स, यू नो, तो मुझे पता है, और वो स्माइल, वो मुस्कुराहट, नॉन स्टॉप कैमराज ऑन योर फेस, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग, जो मेहनत वो करते हैं, जो आज उन्होंने अचीव किया है, हैट्स ऑफ टू देम, इट इज़ जस्ट नॉट ईजी, इट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वो जुनून चाहिए, वो नशा चाहिए टू बी, you know, into the fraternity of Bollywood. Absolutely. And international fraternity. So hats off to all of them. इसी बात पे एक चीज मुझे याद आ रही है कुणाल, मैं आपको बताऊंगा कि ये एक ऐसा काम हुआ जिसको बोलते हैं सेलिब्रिटी को मिलना हुआ आम, लेकिन इनके केस में आम के आम और गुटलियों के भी दाम। तभी तो सर मैं बताऊं, ये चार्टर में आते हैं, हम जैसे बार्टर में आते हैं। क्या बात है। देखो मतलब यहाँ क्या है कि इनको काम करना है सेलिब्रिटीज के साथ में, और उसे के भी डॉलर मिलते हैं भाई, डॉलर, ठीक बात है कि नहीं, दाम के आम गुटलियों के भी दाम। ऐसी बात नहीं है, चार्टर्स की मेरी बिजनेस है। देखा, आई डू एयर चार्टर्स, और जब जब प्रिंस लॉन्च हुई थी तो ऑफकोर्स मैंने चार्टर भी वो हमारा ही था, यू नो, विद द तौरानी सर्स, एंड पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एंटायर 2 डेज 7 सिटी टूर हमने किया था। आप कुछ मूवी भी कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा मूवी के बारे में। मेरी आई जस्ट रिसीव्ड माय इंटरनेशनल फिल्म एंड म्यूजिक फेस्टिवल फ्रॉम USA का अवार्ड एज अ डेब्यू एक्ट्रेस, इंटरनेशनल एक्ट्रेस, जिंदगी तुमसे फिल्म का नाम, एंड 3 साल पहले इसकी शूट हुई थी एंड इट रिलीज्ड लास्ट ईयर, और इट्स बीन अ ब्यूटिफुल फीलिंग ऑल टुगेदर। तो जब भी मुझे एज एन एंकर ऑफर्स आती थी फॉर फिल्म, सो मैं उन्हें कहती थी सर दिस इज़ माई क्राइटेरिया एंड आई एम लिटिल शाई, सो आई विल नॉट बी कम्फर्टेबल विद, you know, this kind of work. So, when I got the chance, so they changed the script for me.
जो स्विमर राउंड था उन्होंने चेंज किया, गाना चेंज किया मेरे लिए. सो आई वॉज रेडी टू डू इट. अब आई एम वेरी हैप्पी हैविंग डन दैट फिल्म. ऑल्सो मेरी गरबा फिल्म्स रिलीज हुई, जो मेरी डॉक्यूमेंट्री है डांस लाइक अ गॉडेस, जो कैप्शन मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया था इन 2014, डांस लाइक अ गॉडेस ऑन पेज 2 ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया एंड पेज 3, तो वो भी रिलीज हुई. और गुजराती में दीवानी गरबानी है नाम. एंड माई म्यूजिक एल्बम्स रिलीज. आई एम वेरी हैप्पी डूइंग द फिल्म वर्क ऑल्सो नाउ एंड साइमल्टेनियसली. So acting, filming, dancing, garba, क्या क्या चेहरे हैं इनके. कुणाल जी, अब आपकी भी अगर हम बात करें तो हम ये थोड़ा सा हैरान भी हैं, परेशान भी हैं, लेकिन सेम सिमिलैरिटीज आप लोगों दोनों में हैं. तो इट इज़ लाइक कि एक आपकी भी पिक्चर है 24 कैरेट पित्तल, क्या है ये? हाँ, 24 कैरेट पित्तल गुजरातियों पे थी. गुजरातियों को जिस तरह की बड़ी बड़ी फेंकने का शौक होता है, तो उस पर पूरा एक कॉमेडी फैमिली ड्रामा था 24 कैरेट पित्तल. तो अचानक से डायरेक्टर साहब, उनको क्योंकि कास्टिंग में समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जो हीरो था उसको 6 से 7 अलग अलग डिफरेंट गेटअप्स में रोल करना था. तो बोले किसको लेंगे जो 6 से 7 अलग अलग कैरेक्टर्स करता है. फिर कभी उन्होंने मिर्ची मुर्गा सुन लिया, अचानक से अप्रोच कर लिया, और 6 से 7 किरदार मैंने उस मूवी में निभा लिया. तो इट वॉज अ कॉमेडी फिल्म और मजा आया करके. मतलब एक तरीके से ये एक कॉमिक और कॉमेडी फिल्म थी, जहाँ पे आउट एंड आउट कॉमेडी, आउट एंड आउट फैमिली कॉमेडी थी. ओके, सो कैसा लगा एक नया कुछ आपको, आपने जो रूटीन लाइफ में जो 10 साल से आप आरजेइंग कर रहे हैं उससे कुछ बाहर निकल के कुछ एक नया फ्लेवर मिला आपको? इतना आसान और इतना अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आरजे जब आते हैं सेटअप खुद करना होता है, रिकॉर्डिंग खुद करनी होती है, स्क्रिप्टिंग खुद करनी होती है, एडिटिंग खुद करनी होती है, उसको पैकेज खुद करना होता है, सब कुछ हमें करना. यहाँ तो इतना मजा आया मुझे. आप चेयर पे बैठो, आपका मेकअप आ रहा है, यहाँ पे फैन लग रहा है, आपकी स्क्रिप्ट रेडी है जो आपको नहीं लिखनी है, जो मैं रोज लिखता हूँ 10 साल से. क्या बात है. तो बहुत ही इजी गोइंग एक्सपीरियंस, मजा आ गया यार, मुझे तो और काम चाहिए था. हो गया, हीरो की फीलिंग लग रही है. बिल्कुल सही लाइफ थी, मतलब क्या था. आई मिस दोस डेज, वो कभी बाद में हुआ नहीं फिर. सही बात है. सो वेलकम बैक. अब हम पेश करते हैं और शुरू करते हैं हमारा अगला सेगमेंट, जिसका नाम है लड़खड़ाती जुबान, यानी कि यहां होगा अब कुछ टंग ट्विस्टर. Okay. तो हम आपको कुछ टंग ट्विस्टर देंगे जिसको आपको जल्दी जल्दी दोहराना होगा. वैसे तो आप बातें दोहराने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन देखते हैं आज आपकी टंग ट्विस्ट होती है या क्या होता है. सिमरन रेडी? टंग तो ट्विस्ट होनी चाहिए ना, मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग दैट टंग ट्विस्ट होनी चाहिए. पढ़ के बोलना है ना, पढ़ के बोलने को प्रॉब्लम नहीं है. नहीं, पढ़ के नहीं बोलना है. मैं आपको बोलूंगा, लाइन दोहरानी है आपको. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सिमरन आपके साथ. रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, वेरी सिंपल. रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, वेरी सिंपल. भी कहना है बीच में नहीं ना आपको. रेड लॉरी येलो लॉरी कितनी बार कहना है? रेड लॉरी येलो लॉरी, हाउ मेनी टाइम्स? आपके से 4 टाइम्स. 4 टाइम्स, अच्छा इतना ही बस जी. रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी. क्या बात है, बड़ा जल्दी कमाल कर दिया आपने. इंग्लिश में ना, इंग्लिश में कुछ भी चलता है. इंग्लिश में कुछ भी चलता है. तो अगर हम हिंदी में दें आपको तो फिर मत पूछिए. हिंदी में मुझे दे दीजिए, ऐसी बात है. तो चलिए शुरू करते हैं. पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, ये क्या फेवरेटिज्म था? कुछ आपने रेड लॉरी येलो लॉरी दे दिया, हो गया दो वर्ड. मेरे को क्या दिया? पीपल. आप रेड पे बैठे इसलिए हमने रेड लॉरी नहीं चलाई आपके साथ में. मैं चेंज कर लेता हूँ. नहीं, आपकी पिक्चर का नाम था पीतल, तो आज हम वापस लेके आए हैं आपके लिए पीतल. पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला. पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला. पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला. पीपल के पतीले में पतीला पीला पीला. पीपल के पतीले में पतीला पीला पीला. कितनी बार बोला था मुझे? चार बार नहीं हुआ. वापस 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 वापस. आप एक बार रिपीट कीजिए. पीपल के पतीले में पतीला पीला पीला. 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 हो गया. क्या बात है, दैट वाज स्टनिंग. सिमरन, अब आपसे हम कुछ थोड़ा दो लाइनें मरहम भी गए मरहम के लिए, मरहम ना मिला हम दम के लिए, हम दम के लिए हम दम ना मिला. वाह, सुनने में बड़ा अच्छा लगा. गुलजार साहब ने लिखा है?
गुलजार साहब ने लिखा है। मजा आया समझ में? नहीं, I'm just हमने लिखा है सिमरन के लिए। Three days back, बोले wow. ना। ये हमने लिखा है सिमरन के लिए। Okay, so, मरहम भी गए मरहम के लिए, मरहम ना मिला। हम दम से गए हम दम के लिए, हम दम ना मिला। बहुत सुनने में अच्छा लगता है। Can I read it from there and say? Okay. Super. वाह, क्या फेवरेट। So nice. क्या फेवरेट है ये। मरहम भी गए मरहम के लिए, मरहम ना मिला। हम दम से गए हम दम के लिए, हम दम न मिला। मरहम भी गए मरहम के लिए, मरहम न मिला। हम दम से गए हम दम के लिए, हम दम न मिला। मरहम भी गए मरहम के लिए, मरहम न मिला। हम दम से गए हम दम के लिए, हम दम न मिला। मरहम भी गए मरहम के लिए, मरहम न मिला। हम दम से गए हम दम के लिए, हम दम न मिला। सॉरी, हमको तो बहुत दमदार मिला, जो भी मिला बड़ा दमदार था। हिंदी में थोड़ा याद में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए थैंक यू फॉर दैट। दैट वाज गुड, दैट इज दैट इज दैट इज बहुत चल गया कि मैं पढ़ के बोल सकता हूं। हां बिल्कुल, लेकिन हम आपको एक शॉर्ट लाइन ही देते हैं कुणाल। अ बिग ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बेयर। अ बिग ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बेयर। अ बिग ब्लैक बग बबल। A big black buck bit a big black bear. A big black buck bit a big black bear. A big black buck bit a big black bear. A big black buck bit a big black bear. क्या बात है, बहुत ही मजेदार। That was not easy. Absolutely. ऊपर से English था। नहीं, अब हमारे पास में एक बहुत ही बढ़िया है सिमरन आपके लिए। The big beautiful blue balloon burst. 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 Bloom 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 bloom. Burst. Bloom 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 burst. The big balloon blue balloon burst. The big balloon. The big beautiful blue balloon burst. 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 आप दोनों ने आज क्या बताएं? It's interesting. खतरनाक तरीके से आप लोगों की, क्या मैं बोलूँ ना भाई, यही तो है कि आप दुनिया के छक्के छुड़ा देते हैं बातों बातों में। कुणाल जी, अब आपके लिए अगला एक और है, एक आखिरी। She told six shabby sheared sheep on ship. नहीं होगा, उनको पेपर क्यों काट दे, क्यों काट दे दीजिए, बिकॉज या इट इज नॉट इजी। थैंक यू। She sold six shabby shirt sheep on ship. She sold six shabby shirts. कोई बात नहीं। Again, last try. ये किसने लिखा है? S pe already always difficult. She sold six shabby shirt sheep on the ship. She sold six shabby shirt sheep on 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 ship. आज दिख रहा है, पता नहीं क्या हुआ पर हुआ, सब में राय उसने। चलिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेल ट्राइड, आई एंजॉयड, आई होप यू गाइस आल्सो एंजॉयड। बट हैम्पर कौन जीत रहा है? ये हैम्पर राउंड था ही नहीं। ओह, अभी तो राउंड की शुरुआत हुई है, अभी तो एंटरटेनमेंट शुरू हुआ है। ऑलराइट, यू नो, हम इस दास्तान को जारी रखेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वाह, क्या मजेदार गेम रहा। तो आइए इस मजे को आगे बढ़ाते हैं हमारे एक और गेम के साथ, जिसका नाम है व्हाट्स दैट चिट। व्हाट्स दैट चिट? यस, व्हाट्स दैट चिट। और ये चिट के अंदर हमने कुछ लिखा है जिसे आपको पढ़ना है और मैं और सिमरन उसे गेस करेंगे। 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आपको परफॉर्म करना है। अरे बाप रे, जिसमें आपको बोलना नहीं है। तो ट्विस्ट यही है कि व्हाट्स इन द चिट, यू हैव टू एक्ट एंड परफॉर्म एंड मी एंड सिमरन विल जज। सिमरन, उसी तरीके से आपको भी एक चिट उठानी है, उसमें क्या लिखा है हमें भी नहीं पता, और आपको हमें एक्ट करके दिखाना है और मैं और कुणाल उसे गेस करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं इस गेम को। समय होगा आपके पास 30 सेकेंड्स ओनली। ओके, चलिए फिर, पढ़ लिया आपने? पढ़ लिया हमने, अभी इसको 30 सेकंड्स में तो क्या ही समझाएंगे। ओके, शुरू करते हैं। तो आपका वक्त शुरू होता है अभी। दो वर्ड्स है। ओके, इट्स इन इंग्लिश। ओके, पहले सेकंड वर्ड आंखें। इंग्लिश, आई, आइस, आइस, आई, आई। ओके, चक्कर, व्हील, कहाँ घुमा रहे हैं? चक्कर आ रहा है आंखों में, चक्कर।
आंखों में एरोप्लेन 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 आई आई ऑफ द टाइगर ओह माय गॉड लंदन आई लंदन आई तुम लोग दोनों आंखों में बात हो गई लगता है बट यू सेड इट सो वेल इसने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन पूरा चक्कर समझा ना मैंने पूरा चक्कर ही सेड हवाई जहाज और पूरा यार आपका लड़कियों के चक्कर में अच्छे से ले आते हैं कहना पड़ेगा कुणाल जी बड़े एक्सपर्ट है चलिए सिमरन अब आपकी बारी है ओके शुरू हो जाए राइट राइट ठीक है आई एम रेडी और आपका समय शुरू होता है अभी दो वर्ड्स हैं दोनों हिंदी हैं ये खाने की चीज का नाम है रसगुल्ला गुल रस रसगुल्ला खा लो गुलाब जामुन भर लो फुग्गे की तरह हाँ खाने की चीज का नाम है खाने की चीज का रसगुल्ला गुलाब जामुन रसमलाई रसमलाई रबड़ी पानीपुरी गोलगप्पा ओह वाह मुझे लगता है हमारी टीम ने बड़े ही इजी क्वेश्चन रखे हैं आप लोगों ने बिल्कुल इजी नहीं है हमने क्रैक कर लिया हो जाए फिर एक और कुणाल जी उठाइए अच्छा एक और मतलब मैं ज्यादा कॉन्फिडेंस में बोल गया नहीं मुझे पता नहीं मुझे लगा हो गया आई टेक माय वर्ड्स बैक अभी तो शुरू किया है गेम आनंद आ रहा है हमें मतलब मुझे उतना बोलने का तो अधिकार है ना कि ये खाने की चीज है या कोई जगह है या उतना भी नहीं या कोई किसी का नाम है उतना तो थोड़ा सा हम चलिए कर सकते हैं आप प्लेस या खाने की चीज है उतना तो बता ही सकते हैं माय गॉड ना वो आया नहीं और कुणाल आपका समय शुरू होता है English अभी एक वर्ड दो वर्ड एक वर्ड इंग्लिश में हेलो नमस्ते हाउ डू यू डू शेक हैंड्स हगिंग मिलने गेट टुगेदर गो गेट अ मीटिंग हम तुम कमरे में बंद हो लव चाबी फ्रेंडशिप फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये तो बड़ा इजी था यार पर हम चमत्कार पे चमत्कार कर आज ही हुए हैं फ्रेंड्स दैट्स फिनोमिनल अच्छी बात है आज हम सब तीन दोस्त बैठे हैं फ्रेंड्स फ्रेंडशिप की बातें हो रही हैं ऊपर वाले बचा लेना 30 सेकंड ये मेरे पास आज तो ये हसीना ही बचा सकती है आपको कुणाल हो गया देख लिया आपने शुरू करें आपका वक्त शुरू होता है अभी फीलिंग शाय डर लग रहा है हिंदी इंग्लिश आंखें ब्लिंक करना अंग्रेजी है हिंदी है हाउ मेनी वर्ड्स नीचे देख रहे हैं इंग्लिश ब्लिंक nervousness, shy, lover. आँखों में इशारा. एक ही वर्ड है. एक ही वर्ड है. निगाहें. नैना. आई. इंग्लिश में. सॉरी इंग्लिश में. आईज ब्लिंकिंग. कोई याद कर रहा है. I'm like thinking. चेहरा. Face. Glowing. Oh, lover. Jan. Okay, in English. In English. What do you say? Lover, beloved. I'm a big fan of someone and you know blushing, I feel blushing. So blushing yeah blushing blushing is the word yeah, oh thank you Jenny you're so intelligent okay. Mm-hmm. I'm gonna try this it's tough it's not easy okay English 3 words okay it's a film It's a destination. It's a place. First word is Chota. Bada. Chota. Chota bada. Bada. Big. Big Bang Theory. Yeah. How did you know? Pata nahi big se aur to kya hoga? Oh my god, you're too good. But you actually knew this? No. Wow. Fluke. Big से फिर big आगे जो पहले मैं सोच रही बैंग कैसे कहूंगी बैंग बैंग गाना मुझे तो इसके पीछे कुछ राज लग रहा है भाई बिल्कुल राज नहीं है सर मेरी फॉलोअर्स से थ्योरी बिग बैंग थ्योरी हां क्या बात है कहना पड़ेगा यार कुणाल रियली अमेजिंग दिस वाज रियली स्पॉट मेक इट पॉसिबल सो द फर्स्ट वर्ड वाज बिग तो बाकी क्या होगा फिर बिग बैंग थ्योरी कौन जीत रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा दोनों एक दूसरे के सवाल का जवाब देते ही जा रहे ये गेम हो रही है मजा आ रहा है कुणाल जी एक लास्ट चिट पड़ी है हो जाए चाहिए होगा इसमें
ये कैसे समझाऊं मैं? नहीं, हम समझ लेंगे, हम कोशिश करेंगे. प्लीज हेल्प मी. कोशिश बेबी स्मॉल छोटू पप्पी स्निफ स्मॉल बेबी स्नेक जानवर है कोई चूहा चूहा इज इट इंग्लिश चूहा इज इट इंग्लिश इंग्लिश रैट रैट पॉइजन कैट रैट मैट टू वर्ड्स इन इंग्लिश इट्स अ मूवी नेम रतातुली फर्स्ट वर्ड इज अराउंड समथिंग रैट माउस माउस कैट माउस मिकी माउस मिकी I would have never been able to guess Mickey Mouse, but thank you for helping me. Thank you. This wonderful, lovely, fun-filled, energetic, enthusiastic game. I like it. बहुत मजा आया आप लोगों के साथ. But that Mickey please cut that part. Mouse so well. Please add that part. बढ़ाते हैं इसी गेम शो को आगे. इस तरीके से खेलते रहेंगे, मनोरंजन दिखाते रहेंगे हम दर्शकों को. लेकिन आते हैं हम एक ब्रेक के बाद. तो आइए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले और आखिरी सेगमेंट पर और पूछते हैं हम आपसे कुछ सवाल तगड़े तगड़े फास्ट फास्ट जिस राउंड का नाम है ऑन फायर विद जीडी. ऑन फायर क्या फायर करोगे आप? ऑन फायर के साथ ऑन फायर. वाओ एक्चुअली यस क्या बात है. सो आइए शुरू करते हैं हम. मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, आपको उसके जल्दी जल्दी आंसर देने होंगे. एंड लेट्स सी हु कैन विन द राउंड. कुछ सरप्राइज हमारे पास में जरूर है आप लोगों के लिए. यस ऑफ कोर्स. सिमरन आपसे मैं शुरू करूंगा. यू टुक योर लास्ट वेकेशन विथ माय वर्क माय प्यार इश्क मोहब्बत एम सिंह. व्हाट्स द कलर ऑफ योर टूथब्रश? येलो. If asked to give an advice to a Bollywood actor, who would that be? Simran Ahuja. One thing you cannot tolerate is? Toleration to everything. Your last kiss was? My last? Your last kiss was? My when? Last kiss was very romantic. Which Bollywood actor has hosted Worst Filmfare Awards? Everyone I've loved. I'm sorry, but you can't. I'm a very positive person. No. And I genuinely have loved. There are times when things have not gone right because of the situation. When suddenly, something goes wrong. But I don't blame anyone because it's at the spur of the moment. Politically correct answer. I just love everyone. Yeah. Chalo, theek hai. Rank these personalities from 1 to 5 on their language command. Shahrukh Khan, Saif Ali Khan, Ritesh Deshmukh, Manish Paul, Karan Johar. Shahrukh Khan, Saif Ali Khan, Shahrukh Khan, of course, always top. Then is Ritesh Deshmukh, and you said Manish Paul, and who's the last one? Karan Johar. Shahrukh Khan, Karan Johar, Manish Paul, Saif Ali Khan, and Ritesh Deshmukh. Okay. When did you lose your virginity? Very late in life, 25. You don't mind going on a date if asked by? Shahrukh Khan. क्या बात है. So you are a big Shahrukh Khan fan. I'm a Shahrukh Khan fan. I'm a Salman Khan fan. I'm a Amir Khan. I'm a Khan fan. Complete fan. Last thing you ate before the show? I had a juice during the show, and before the show I had pineapple. So you love pineapples? No, but the only best choice was fruits, and they are healthy because I had late night dinner. I was shooting. Very nice. I couldn't find anything better than watermelon and pineapple. And I said, if I eat more, I won't be able to work here. Kunal, tough competition hai aapke liye. Bade jaldi jaldi, ekdam fiery, ekdam badhiya badhiya answer unhone to de diya. Ab hum aapki bari hai. Ab aap se shuruaat karte hain. If you had to choose one out of radio or movies, what would that be? Now, of course, movies. I really want to work with in front of the camera. I want to be on screen. To be very honest. तो अब आप मूवीज के साथ में जाना चाहिए. एब्सोल्युटली. एक और मूवी भी आ रहा है मेरा और मुझे करनी है. काम दो मुझे, काम दो. Who should quit the radio according to you? Who should quit the radio according to me? Who doesn't have a passion for radio? Who is not honest? Given a chance to date a Gujarati actress, who would that be?
given a chance to date Gujarati actress. I am fond of one Gujarati actress who has done a lot of South Indian films. Her name is Monal Gajjar. I told her on her face also that I'm a big fan of yours. So I like her honesty, whatever her presence is on screen. So that way. Kya baat hai? One word for Simran Ahuja. One word for Simran Ahuja. Supremely gorgeous and extremely talented. Kya baat? Isko ek word bana dijiye please. Kya baat hai? Marry, kill or hook with whom? Dikshika Joshi, Bhakti Kubawat or Kinjal Rajpariya? Marry, kill or hook? Yaar, kill to main kyun hi karunga kisi ko? दीक्षा जोशी या शी इज मोर ऑफ अ गर्ल नेक्स्ट डोर. उसको जिस तरह से मैंने जाना बहुत कम है उसको, बट जिस तरह से उसकी मूवीज, एनीवन वुड लाइक टू मैरी दीक्षा जोशी. किंजल इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, सो आई विल किल हर, आई विल हुक हर. द फर्स्ट थिंग यू नोटिस इन फीमेल इज हाइट, आईज, कॉम्प्लेक्शन. And then nature. यहाँ देख के बोल सकते हो. सब कुछ मिल जाएगा आपको. सब कुछ मिल जाएगा इनके अंदर. Best combination है. Am I right? Absolutely. Cheesiest compliment you have ever given to a girl? You have ever given to a girl, huh? Cheesiest compliment. हाँ यार, एक बार मैंने ऐसे बोल दिया था. Do you believe in love at first sight? या फिर मैं वापस से मुड़ के आऊँ? Oh my God! क्या बात है? या मैं वापस से मुड़ के आऊँ? That was funny. Describe a good kiss in 3 words. Describe a good kiss in 3 words. Passionate, intimate, and emotional. Kya baat hai? Aap kaise karte hain usse? In tino mein se. I am not a very good kisser, so I usually. Kyun Imran Hashmi ki movies nahi dekhi aapne koi? Nahi dekhi hai, but. प्रॉब्लम ये होता है ना कि मेरी किसिंग के बाद कंप्लेंट्स बहुत आ जाती है. नेक्स्ट स्क्रिप्ट राइटर तो बड़ा अच्छा सोचते हैं, तो बड़ा अच्छा यू नो बाकी सब भी करना आना चाहिए. सो आई हैव अ वेरी रफ बियर्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो स्क्रबिंग हो जाता है फेस पे उनके, तो मैं नहीं करता हूँ किस पता चल जाता है कि ये कुछ हुआ है. ओ बाप रे. ओके, मूविंग ऑन. व्हाट आर यू एडिक्टेड टू? आई एम एडिक्टेड टू वर्क. आई एम एडिक्टेड. आई कांट स्टे विदाउट वर्क. During lockdown, the biggest challenge was like I didn't have much of work, so I used to generate the work. Being artist, you can't survive without work. So I'm addicted to work. Okay. One suggestion you would like to give to RJ Dhwanit? One suggestion I would like to give to RJ Dhwanit. Please work on your physique. Please work on your health. Rest unko koi suggestion ki zarurat nahi hai. So ye. मुझे सवाल उन्होंने इंटरव्यू जब मेरा हुआ था आरजेएन के टाइम पे, उन्होंने मुझे कहा था कि व्हाट इज दैट यू हैव दैट धोनी डजंट हैव, व्हाट इज आई डोंट हैव, आई एम लाइक फिजिक. क्या बात है, क्या बात है. अगेन आई वुड से दैट इट वाज रियली फैंटास्टिक हैविंग बोथ ऑफ यू ऑन द शो. बहुत ही मजा आया. थैंक यू. बहुत ही मजेदार रहा. एंड आई थिंक कि ये टाइम कैसे निकल गया मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया. और यू बोथ ऑफ यू प्लेड सो वेल दैट अगेन आई बिलीव दैट मुझे हमेशा आप लोग असमंजस में डाल देते हो. हर गेस्ट ने मेरे साथ में इसी तरीके का you know, कुछ आनंद उठाया है, लेकिन मुझे हर बार इस चीज़ को लेकर के बड़ी दिक्कत होती है कि अब मैं विनर कैसे अनाउंस करूं या हम क्या करें. तो आई वुड पर्सनली से दैट आई एम डिक्लेयरिंग बोथ ऑफ यू एज द विनर्स. हमारे लिए आप दोनों ही बहुत ही बढ़िया रहे. उम्दा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत ही मज़ा आया आप लोगों के साथ में. इट वॉज रियली वेरी वंडरफुल हैविंग यू बोथ ऑन गस्टो विद जीडी. यू नो आई जस्ट वांट टू से दिस टू यू कुणाल, आई थिंक ही इज द विनर. You know, the kind of show that, you know, he's come up with. Absolutely. Gusto with GD. It sounds so amazing. And, you know, it's like magnificent in every way. So I think you should be the winner. Yeah, the end of the day, you are the winner. So we are clapping for you. Thank you so much for having us on. Absolutely my pleasure. आप लोगों से हम season 2 में भी मुलाकात करें, season 3 में भी करें, इस journey को आगे लेके जाते रहें, लोगों को बताते रहें और इस तरीके से सिलसिला जारी रखें. Viewers, thank you so much for having all of us here. And I would say, alvida, see you, tata, milte hain agle episode mein. Simply kahun to maza aa gaya mujhe. Matlab show ke pehle jaise main aaya tha, main itna nervous tha. Mujhe laga kya hi puchhenge, kis tarah ke sawal honge, camera kaise face karunga. लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ता गया, जिस तरह के सेगमेंट्स शो में थे, एक तो इतना कंफर्टेबल मुझे फील हुआ. पहली बात तो यह कि आते ही मेरा मुर्गा बन गया था यहाँ पे.
बहुत खतरनाक तरीके से मुझे मुर्गा बनाया, ऊपर ले गए, नीचे ले गए, मुझे लगा सेटअप कहाँ पे हो रहा है, कोई भी कैबिन में लेके चले गए मुझे। फिर देखा तो ब्यूटीफुल सेटअप था। सेटअप देख के मैं थोड़ा सा और नर्वस हो गया। मैंने बोला इतना स्वैंकी सेटअप है, मैं क्या बात करूंगा, इतने क्लासी लोग हैं मेरे आसपास, प्लस मेरे साथ जो मेरी को होस्ट सिमरन, अब सिमरन के साथ कैसी केमिस्ट्री होगी मेरी। लेकिन सिमरन से बहुत सारी बातें जानने मिली मुझे, सिमरन भी बहुत डाउन टू अर्थ है, वो भी ऑलमोस्ट सेम प्रोफेशन में है, तो मज़ा आया उनके साथ। पहली बार उनको मिला तो ऐसा लगा नहीं उनको भी पहली बार मिल रहा हूँ। जीडी के साथ भी मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया, प्लस बहुत सारी एक्साइटिंग गेम्स थी। मतलब ये पूरा कैजुअल कैजुअल शो के बाद थोड़ा सा फन एलिमेंट उसके अंदर आ गया, बहुत सारी गेम्स आ गई, तो ये लगा नहीं कि शो कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया। इट वॉज यू नो प्योरली एंटरटेनिंग। सो नाउ आई एम वेरी मच रिलैक्स्ड एंड सेटिस्फाइड, क्योंकि बहुत सारी मेरी लाइफ की बातें भी जो मैंने कही, हमें भी बहुत कुछ बोलना होता है रेडियो जाके, लेकिन पर्दे के पीछे बोल नहीं पाते। आज कैमरा के आगे अपनी लाइफ के बारे में बोल के बहुत संतुष्टि वाली फीलिंग आ रही है मुझे। सो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, मजा आ गया यार। ओह माय गॉड, truly an exhilarating experience simply because I'm here in my favorite state of Gujarat and of course my favorite city Ahmedabad. Well, I must tell you, mane ramanu badu aavre che and the games were also like very tricky and absolutely damaal. So much fun with GD and of course, you know, RJ Kunal. I just remember my RJing days, you know, how I started with it. But it was damaal, lekin trust me, hum aise hi karte hain. Studio mein bhi hum aise hi karte hain bilkul. Aur isi tarah we pass on the energy to everyone around us. Sending you lots of love and bahut bahut dhamaka hua yahan pe. I'm sure you felt the vibe and you felt the exact feeling what we feel like. Aage dekhte hain hota hai kya. The games were actually a little tricky.